जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये खिड़की है जिसके अंदर शीशे लगे हुए हैं। अब इसकी समस्या ये है कि इसके अंदर जब हम इसे खोलते हैं तो मच्छर आ जाते हैं, और बंद करते हैं तो सफोकेशन हो जाती है। तो अब हम कुछ ऐसा इसमें करने वाले हैं कि हमें सफोकेशन भी ना हो और हमारा काम चल जाए। उसके लिए हमने अपने घर से एक ये चुन्नी ली है, और ये पाइप लिया है PVC का है, और ये पोलीफिक्स की ये ग्लू किट है जिसके अंदर स्प्रे और एक्टिवेटर और पोलीफिक्स ग्लू है, और ये रस्सी है, और ये हमने ऊपर दो कील ठोक दी है। अब हम दिखाएंगे आपको कि हम ऐसा किस तरह से ब्लाइंड बनाएंगे जिससे हवा भी आएगी और मच्छर भी अंदर नहीं आएंगे। ये हमने नेट के ऊपर पाइप लगा लिया है, पाइप के ऊपर नेट लगा लिया है, और आप देख सकते हैं ये हमारा पोलीफिक्स अब हम लगाएंगे इसके ऊपर। नेट को चिपकाने में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि नेट पे कोई एडहेसिव काम नहीं करता, लेकिन हमारा जो ये पोलीफिक्स हाई विस्कोसिटी ग्लू जेल है, इसको हम लगाएंगे तो ये नेट के अंदर चला जाएगा और एक कैविटी फॉर्म करेगा ऊपर। आमतौर पे जो लो विस्कोसिटी एडहेसिव मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो बह जाते हैं, वो इसलिए इस काम को नहीं कर पाते। और ये जो हमारा स्प्रे एक्टिवेटर है, आप देखेंगे इसको जैसे ही हम स्प्रे करेंगे तो ये एकदम तुरंत ही सूख जाएगा और बहुत मजबूती से चिपका देगा। अभी हम ये आपको स्प्रे करके अभी दिखाने वाले हैं। दिखाइए अब कैसे चिपक गया है, ये हटा के दिखाइए, ये देखिए चिपक चुका है, ये नहीं निकल रहा है। ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी इसको कर ले रहे हैं ताकि ये नीचे हवा में उड़े ना। तो अब आप देख सकते हैं हमने कैसे ग्लू लगाया, और हम इसको स्प्रे एक्टिवेटर से तुरंत ही सुखा लेंगे। ये देखिए अब हमने इसे को कील पे टांगा है, अब कहीं से भी मच्छर के आने की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये नेट के ऊपर पाइप के ऊपर हमने बहुत मुश्किल से 10 मिनट के अंदर हमने रेडी कर लिया है, और अब हमेशा यहाँ पे हवा भी आएगी और मच्छर भी नहीं आएंगे और सफोकेशन भी नहीं होगी। थैंक यू सो मच। ये प्रोडक्ट वैसे इजीली अवेलेबल नहीं है मार्केट में, अगर आपको लेना हो तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, अदरवाइज़ आप सीधे कंपनी से कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं कि कहाँ मिलेगा। थैंक यू सो मच।